गर्मी आते ही बर्ड लवर्स को एक सबसे बड़ी टेंशन परेशान करने लगती है कि बर्ड्स को गर्मी में क्या खिलाएं। वैसे तो बाजरा चिड़ियों का मोस्ट फेवरेट होता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर काफ़ी लोगों का मानना है कि बाजरा गर्मियों में नुकसानदेह होता है। पर क्या ये बात पूरी तरह सही है? चलिए जानते हैं इसका जवाब स्नेक एंड माइग्रेटरी बर्ड्स एक्सपर्ट शरद पुरोहित जी से। तो शरद जी का मेरे चिड़ियाघर को देखने समझने के सिलसिले में हमारे घर आना हुआ। मेरे इस छोटे से इनिशिएटिव के तारीफ के साथ उनसे वाइल्ड लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला, साथ ही साथ चिड़ियों को गर्मी में बाजरा देने के डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश की। चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ बाजरा यानी जिसको पर्ल मिलेट भी कहते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। तो बाजरा जो है वो ढेर सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स से भरा हुआ है। जैसे 100 ग्राम्स बाजरा में होता है 361 किलो कैलोरीज, 64 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, 12 ग्राम प्रोटीन और 4.8 ग्राम फैट। इसके अलावा इसमें है मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैट, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन ए, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इसमें ढेर सारा फाइबर है जो कि अच्छे डाइजेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिंग एजेंट्स हैं जो कि किडनी और लिवर के लिए फायदेमंद होते हैं। रिच इन मैग्नीशियम है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल से लड़ता है और आपके दिल को अच्छा रखता है। एसिडिटी से बचाता है। आयरन है इसमें जो कि ब्लड की कमी को पूरा करता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम है जो कि बोन्स के लिए अच्छा है। इम्यूनिटी बढ़ाता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट शरद जी का बाजरा को गर्मी में देने के बारे में क्या कहना है उनसे सुनते हैं। वैसे तो परंपरा और संस्कृति को देखें तो राजस्थान का जो तापमान है उसका और जो पंछियों का दाना डालते हैं उसका कोई उतना संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाजरा डालने से पक्षी बीमार हो जाएंगे या उसकी तासीर उनको गर्म करेगी। पक्षी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूसरी बात, जो बाजरा है वो कोई हमारे हाथ तो आया है, वो एक्चुअल में वो जंगली पौधा ही है और जंगल में जो सीज़न में उगता है, जिस सीज़न में जो प्लांट्स लगते हैं और उन पे जो बीज आते हैं, पक्षी अच्छी तरह से जानते हैं किनको खाना है और किनको नहीं खाना। तो बाजरे की जो भ्रांति है या ये वहम फैला हुआ है कि भाई इसको खाने से पक्षी बीमार हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जोधपुर या मारवाड़ के पूरे क्षेत्र को देखें, पश्चिमी राजस्थान को, तो उसमें जगह जगह पर बोरी भरकर बाजरा डाला जाता है और अगर डेथ रेट होती तो एक तरह से बहुत ज़्यादा होती। हर दिन कम से कम 10,000, 25,000, 20,000 पंछी मरने चाहिए थे। एक भी शिकायत हमको ना तो सोशल मीडिया से मिलती है और ना ही हमारा जो रेस्क्यू सेंटर है वहाँ से आती है कि भाई कोई पक्षी जो है वो बीमार पड़ गए हैं या ख़राब हो गए हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप आराम से ये ध्यान रखें कि गर्मी में मल्टीग्रेन यानी बाजरा भी हो, ज्वार भी हो और जो गेहूँ छानते हैं उसका जो बचा हुआ पदार्थ है वो भी उसमें मिक्स कर लें, ये सब मिलाकर डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको भी चाहिए अलग अलग खाना, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर हाउस स्पेरो की बात करें तो घरेलू चिड़िया बार बार जहाँ कहीं मुझसे ये पूछा जाता तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि घरेलू चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जो आपको कभी भी डेंस फॉरेस्ट में नहीं मिलेगी। उसका और हमारा संबंध बिल्कुल रिश्तेदारी वाला है, हम आपस में फैमिली एक तरह का परिवार ही है, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं जिसमें चाहे वो ठंडी रोटी बची हुई हो, सब्जियाँ बची हुई हो, सब्जियाँ काटने के बाद बची हुई सब्जी हो, या जितने भी प्रकार के हम अन्न और खाद्यान्न और दालें लेकर आते हैं वो भीगी हुई या बची हुई है, तो इनको डालने पर ही खा सकते हैं आराम से। तो चिड़िया के लिए कोई ऑप्शन वाली स्थिति नहीं है कि इनको केवल वही दाना दें जो सूखा हुआ, ये गीला खाना जो हमारे साथ में, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है ये हमेशा मनुष्यों की जो बस्तियाँ हैं उसके आसपास में ही मिलती है, इनको आप जंगलों में नहीं खोज पाएंगे। तो जो हमारा खाना है वही इनका खाना है, बस इतना ध्यान रखें तेल चिंगट या जो बिस्किट वगैरह जो होते हैं इनको देने से बचें आप पक्षियों को। जो प्राइम प्रोडक्ट है धरती में जो प्राथमिक रूप से हमको मिलता है उसी को हम इनको दें तो सबसे बेहतर रहता है, तो उसमें बीज भी हैं, दालें भी हैं और खाद्यान्न भी। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बाजरे की तासीर गर्म होती है और ज़्यादातर लोग उसे सिर्फ विंटर्स में खाते हैं, पर हमारे वहाँ राजस्थान में पूरे साल ये यूज़ होता है इंसानों को और चिड़ियों को दोनों के खाने के रूप में।
इसलिए हम अगर दूसरे मिलेट्स या ग्रेन्स जैसे ज्वार, छोटे वाले चावल, गेहूं के टुकड़े वगैरह के साथ मिला के दें तो ये पूरे साल इसे खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसके फ़ायदे हैं तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मेरे खुद के बर्ड फीडिंग एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चिड़ियों को खाने में मैंने बाजरा ना दिया हो, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि इसे खाने से इनका कोई नुकसान देखा हो या चिड़ियों की संख्या में कमी आई। ये तो माशाल्लाह बढ़ी ही है। तो इतने कीमती फूड सोर्स के बारे में मन में डाउट्स ना लाइए और आराम से दूसरे पोर्ट्स के साथ मिला के इसे कभी भी खिलाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, साथ ही साथ जो बाजरा को लेके अभी भी डाउट में है उन्हें ये शेयर कर दें जिससे उनकी बर्ड फीडिंग जर्नी स्मूथली चलती रहे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।